a red carpet welcome every students. And first of all, I want to tell you about our entire life. Suppose being a student, you should not tell a lie your parent. Education learned us every day, day by day, we learned. And first of all, why do we get a sound knowledge in English and every sector? And first of all, everybody want to get a sound knowledge every subject. Education learned us, we should know. And first of all, I am saying every student, you can wrong and you used a hard word any person, and you can do wrong any person, anybody, then first of all, you should not tell a lie your parents. Education learned us, okay? Being a teacher, being a student, you should not I'm advising everybody. Let me speak Hindi. शिक्षा में ये नहीं सिखाती है अगर और अगर आप में क्वालिटी है, दुनिया आपकी प्रशंसा करेगी. स्वयं की बड़ाई शोभा नहीं देती. तो वंस अगेन आई एम सेइंग एवरी स्टूडेंट्स, सब हमारे जीवन में वेल एंड वो सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन एवरीबडी कैन मेक अ मिस्टेक. हर इंसान से गलती होती है, ठीक है? आपसे कोई गलती, छोटी या बहुत बड़ी गलती भी हो गई आपसे, तो अपने माता पिता से, अपने अभिभावक से कभी झूठ ना बोले. आज आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, शायद अगले व्यक्ति का गलती ना हो और अपने माता पिता से झूठ बोल देंगे. आपके माता पिता आप पर ट्रस्ट कर आप पर विश्वास कर अगले व्यक्ति के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, आप शब्द कहेंगे, शायद उन इंसान की गलती ना हो, बाद में इस चीज़ की जानकारी हो, बाद उन्हें आत्मग्लानी हो. इसलिए कितनी भी बिगड़ी गलती हो जो, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन आई एम सेइंग एवरीबॉडी एवरी स्टूडेंट्स, कितनी भी गलती आपसे हो जाए, लेकिन अपने माता पिता से कभी झूठ ना बोले. एंड वी फाउट अगेंस्ट द इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश, इट कैन नॉट बिकम अ मीडियम ऑफ आवर सेलिब्रिटी एंड व्हाट वाज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर इमेंसिपेशन. इस दुनिया के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं, कोई किसी को तरक्की से रोक नहीं सकता है. लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आदमी का बच्चा जन्म लेता है, 5 से 6 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन कब क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है, यह सीखने में उसे इंटायर लाइफ या पूरा जीवन लग जाता है. और इस दुनिया के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं, कोई किसी की तरक्की से नहीं रोक सकता है. तो हम लोग आज ड्यू टॉपिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का था वो उस पर हम आज डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे ऑन द बोर्ड. प्लीज कम ऑन द बोर्ड. चलिए ध्यान दें, हम लोग आज ड्यू चैप्टर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पार्ट 1 में स्टडी किए थे, आज पार्ट 2 हम लोग आज स्टडी करेंगे. लेट अस गो थ्रू ड्यू पॉइंट अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच. प्रोनाउन का लास्ट पॉइंट बचा हुआ था कि एग्जांपल जो समझाना था पार्ट 1 में था, अधूरा रह गया था, उसको आज मैं पार्ट 2 में और आगे भी कंप्लीट करूँगा, आगे भी कंप्लीट किया जाएगा मेरे द्वारा. ध्यान दें, ये प्रोनाउन का आपका लास्ट एग्जांपल जो था वो एक छूट गया था, ड्यू था लेक्चर, वो आज मैं पार्ट 2 में कंप्लीट कर रहा हूँ. ध्यान दे, इट किड इज रनिंग ऑन द रोड. यानी आगे लेक्चर इसमें ड्यू है, ध्यान दे, इट किड इज यानी किड है नहीं. ध्यान दे जाए, हम लोग क्या करते हैं, आदमी बच्चा 6 से 7 महीना में गुनगुना शुरू कर देता है, 6 से 7 महीने में घुरुकना प्रारंभ कर देता है. बट अब आदमी का बच्चा जन्म लिया, कुछ समय तक लिया, बेड पर उसको लेटा दिए और बच्चा उस पर
खेल रहा है, बच्चा उस पर खेल रहा है, खेलते खेलते हम एक दिन गए बच्चे के पास, बुआ बुआ बोले वो क्या क्या बच्चा एक लत मारा बड़ा से लग गया मेरे माउथ में, चोट लोल में यानी लिप में, और उस दिन से मैं बच्चा से दूर रहता हूँ। ठीक है, तो अब कुछ समय के बाद क्या होता है कि बच्चा का मान लीजिए 5 से 6 मंथ आदमी के बच्चा घुरुकना शुरू कर देता है, तो बच्चा क्या क्या घुरुकना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो बेड पर से बेड पर डाल दिया बच्चा को आराम से, घुरुकते घुरुकते बेड पर डाल दिया, बेड से घुरुकते बूम से नीचे गिर गया, तो उधर से आवाज़ ये है कि दादी के बा का बुआ के दे मजबूत हो गए। दादी हमेशा बोलती होगी जैसे बच्चा नीचे गिरता है तो बुआ का दे मजबूत हो गई, कुछ करना नहीं है, दादी को हाथ धरना है, टंगड़ी धरना है, उठा के छोड़ देना है। तो अगे मैया कमर टूट गया, बोले का दादी जे मजबूत हो लो, जब बउआ के देह मजबूत हो सकले तो तोरो देह मजबूत हो गलो। तो बच्चे के लिए तो बार बार बच्चे के लिए तो बेनिफिशियल नहीं है, दादी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन हम लोग दादी इसी तरह बोलती है कि बउआ के देह मजबूत हो गए। ठीक है, फर्स्ट टाइम ठीक है, दूसरा बार में तो दादी को टंगड़ी पकड़ के और हाथ पकड़ के छोड़ेंगे कहीं दादी टपक ना जाए, यानी वैलिडिटी ना ख़त्म हो जाए, तो न दादी के लिए बेनिफिशियल है न बच्चे के लिए बेनिफिशियल लाभदायक है। तो वो क्या करेंगे, बार बार डालेंगे बेड पर, बच्चा नीचे गिर जाएगा, तो उसे बेहतर है कि बॉल थमा दिए, बॉल थमा दिए, बच्चा अपना खेलते चल रहा है फील्ड में। ठीक है, फील्ड में नॉट फील्ड फर्श पर डाल दिए रूम में, और मेन डोर पर 7-8 स्टेयर सीढ़ी है, अगर उस पर हम मेन डोर लॉक ना करें तो बच्चा 7-8 पलटा खा के नीचे भी गिर सकता है। ठीक है, जैसे डोर को लॉक कर दिए और उस रूम में राम और श्याम दो नाम उठा रिया हूँ, क्या कर रिया हूँ, दो नाम उठा रिया हूँ, राम और श्याम, राम और श्याम। तो राम बैठा हुआ है चेयर पर और श्याम बैठा श्याम पढ़ रहा है श्रीमद् भागवत गीता और राम खेल रहा है कुर्सी पर बैठ कर पबजी। ओके, तो खेलने के दौरान बच्चा राम बैठा हुआ चेयर पर और श्याम बैठा हुआ बेड पर, तो राम बैठ के चेयर पर पबजी खेल रहा है और नीचे बच्चा खेल रहा है और नीचे मैं ढूक के निकल जाता है हावड़ा ब्रिज में, और उसी खेलने के दौरान ये क्रॉस कर, ये क्या है, स्नैक। तो राम की नज़र पड़ गई स्नैक पर, राम 1, 2, 3, 4 बार ऊपर से नीचे कूदा और रूम से बाहर, तब बोलता है ए श्याम तो क्या नीचे। अब बेचारा श्याम नीचे देखता है तो उसको बेचारा शॉक्ड हो जाता है, चिंतित हो जाता है, तो राम को बोलता है ये पहले अपने भाग गए और हमारा न बताइले। तब राम जवाब देता है श्याम को कि पहले अपन जान बचाऊँ कि तोरा कहियो। तो दोनों तो जान रहा है सांप है, कम कुछ करेंगे तो डंस लेगा, इस बात को राम तो पहले ही निकल गया और श्याम बेचारा फंसा हुआ है और बच्चा का नज़र पड़ गया, बच्चा बॉल ले के खेल रहा है फील्ड में नोट और फर्श पर, और बच्चा स्नैक देखा बॉल छोड़ दिया और जा रहा है स्नैक को पकड़ने के लिए, स्नैक को बॉल छोड़ के स्नैक पकड़ेगा क्योंकि चलता फिरता खिलौना है, पहले उसको पकड़, क्या बच्चा उसे पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, निश्चित रूप से बच्चा पकड़ लेगा। क्यों, क्योंकि आदमी बच्चा लिविंग थिंग होते हुए क्या है, नॉन लिविंग है, ना ही वो मानसिक रूप से और ना प्रजनन की क्षमता से, ना सेक्सुअली और ना मेंटली डेवलप है, इसलिए हम लोग इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग के साथ करते हैं, बट आदमी का बच्चा लिविंग थिंग होते भी क्या है, नॉन लिविंग है। चलिए इसको कॉपी आउट कर लें, चलिए चलिए मैं इसको वाइप अप कर रहा हूँ। वर्ब इज अ वर्ड बीच सोज एन एक्शन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वर्ब। ओके, देखिए वर्ब मतलब होता है क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया, तो वर्ब भी एक लैटिन वर्ड है, हमारे बताए थे मेरे द्वारा बताया गया था आप लोगों को कि अंग्रेजों की मातृभाषा लैटिन और ग्रीक है, हमारी मातृभाषा हिंदी संस्कृत पाली और उर्दू जो एमडी है, तो
अंग्रेजों की मातृभाषा लैटिन और ग्रीक, वर्ब क्या है क्रिया, तो वर्ब वर्ब जिस एक्शन में रहे, जिस पोजीशन में रहे, वही क्या है, वर्ब है। मैं पढ़ा रहा हूँ किस एक्शन में, पढ़ाने के एक्शन में। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ किस एक्शन में, लिखने के एक्शन में। मोहना खा रहा है यानी मोहना मुँह का हाथ का मिलन कर रहा है यानी मोहना किस एक्शन में, खाने के एक्शन में, ओके। और मोहना सोना को लतिया रहा है किस एक्शन में, लतियाने के एक्शन में। यानी साफ साफ कहिए, वर्ब जिस एक्शन में रहे, जिस पोजीशन में रहे, वही क्या है, वर्ब है। और मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों डेफिनेशन लिखते चलूँगा कि मैंने बोला था प्रीवियस पार्ट वन में भी, ऑल फिंगर आर नॉट इक्वल, पाँचों उंगली बराबर नहीं है, ठीक है। हर तरह के विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी पढ़ चुके हैं उनका रिविज़न हो जाएगा, और जो न पढ़े हैं वो भी सीखते चलेंगे। चलिए बोर्ड पर, स्टेट और पॉलिसी से कॉपी आउट कर लें। चलिए, इसे नीचे मैं हिंदी परिभाषा भी इस पर राइट कर रहा हूं नीचे। और वो शब्द कहते हैं जिससे किसी काम करने हो, किसी काम करने या उसकी दशा दशा या चलिए कॉपी आउट कर लें। करने के होने, करने या होने, करने या होने उसके पैसा स्वामित्व का बोध। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए हम लोग वर्ब का फर्स्ट बुतरु यानी फर्स्ट बाल बच्चा यानी ऑफ स्प्रिंग यानी भेद का अध्ययन करेंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट है मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। ध्यान दें, मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। तुम्हारा मेन मतलब मुख्य, भर मतलब क्रिया, मुख्य क्रिया। तुम्हारे देखते हैं गांव घर में मुख्य व्यक्ति होते हैं वह, इसको वार्ड कमिश्नर, वार्ड पार्षद और गांव के रूरल एरिया में देखते हुए मुखिया बोलते हैं।
तो मेन मतलब मुख्य भर मतलब क्रिया, मुख्य क्रिया, दोनों नाम सेम है। क्या बोला हूँ? दोनों नेम सेम है। एक बार फिर से, मेन भर बोले या प्रिंसिपल भर बोले, दोनों नेम सेम है। मेरे द्वारा पढ़ा दिया गया आपको प्रिंसिपल भर और अगला व्यक्ति यानी एग्जाम में यानी एनी बडी कोई व्यक्ति अगला व्यक्ति, चलिए मेन भर के आप चार उदाहरण दें तो हम दुविधा में पढ़ जाएंगे कि नहीं पढ़ जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम दोनों नाम का स्टडी यानी अध्ययन करेंगे, अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो मेन भर भी वो सेम उसी को बोलते हैं और प्रिंसिपल भर भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब प्रधान, प्रिंसिपल मतलब प्रधान और भर मतलब क्रिया, प्रधान क्रिया। तो हमारे देखते होंगे स्कूल में एक प्रधान व्यक्ति होता है जिसको हम प्रधान अध्यापक बोलते हैं यानी हेड सर, और थोड़ा सा हमारे लिए वो स्ट्रिक्ट हो, नकेल कस के रखते हो, नकेल टाइट कर, नकेल कस के पढ़ाते होंगे यानी खचरा हो। ठीक है, तो बच्चे के प्रति काफ़ी शक्ति दिखाते होंगे। तो एक आध दो बच्चे उसमें क्या करते हैं कि उनका नाम रख देता जूनी लीवर और अमरीश पुरी। जैसे बस टीचर को प्रधान अध्यापक को नहीं मालूम होता है कि जूनी लीवर, और बच्चा सब हेड सर आ गया गेट पर, तो बच्चा जो है सब बहुत सभी बच्चा बोलता है अरे जूनी लीवर आ गया, जूनी लीवर, सब बच्चा धर 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 ले से एक साइड तरफे से भागना शुरू कर देता। लेकिन हेड सर की जानकारी नहीं होता कि मेरा नाम जूनी लीवर और अमरीश पुरी रखा है। ठीक है, तो मेन भर और प्रिंसिपल भर दोनों नाम सेम हैं। देखा जाए बोर्ड पर, चलिए ध्यान दे, गो मतलब जाना मालूम है, कम मतलब आना, टीच मतलब पढ़ना, पढ़ना प्ले मतलब खेलना, और अंग्रेजी आते तो क्या बोला ई टी सी, जब कुछ नहीं आवे तो बोलिएगा ई टी सी। क्लियर है, तो ये सी है या टी मत समझिए, टम मत समझिए, कम। ओके, चलिए क्लियर हो गया। अब हम लोग भर्व का दूसरा ऑफ स्प्रिंग बाल बच्चा बुद्रु के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है लेक्सिकल वर्ब। कौन वर्ब? लेक्सिकल वर्ब। उसका दूसरा नाम है हेल्पिंग एक्सिलरी वर्ब। तीसरा नाम है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मैं राइट कर रहा हूँ, ये तीन नाम है। लेक्सिकल भर्ब बोलते हैं, लेक्सिकल भर्ब को ही हेल्पिंग भर्ब बोला जाता है, हेल्पिंग भर्ब को ही मॉडल एक्सिलरी भर्ब बोला जाता है। तीनों नाम जानना, हम स्टडी कर लिए, हेल्पिंग भर्ब पढ़ लिए और मॉडल भर्ब की जानकारी नहीं है और लेक्सिकल भर्ब की जानकारी नहीं है, उससे बेहतर है कि तीनों नाम हम अध्ययन करना, जानना मेरे लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, तो लेक्सिकल भर्ब भी तीनों नाम सेम है, लेक्सिकल भर बोले या हेल्पिंग एक्सिलरी भर बोले या मॉडल्स एक्सिलरी भर बोले। ठीक है, चलिए देखा जाए एग्जांपल में कौन कौन मॉडल एक्सिलरी भर होते हैं। चलिए ध्यान दें, विल शैल टी है, सी सी है, टी मस्ट हो जाए, कैन मे वुड शुड कुड माइट मस्ट नीड डियर आउट टू। एक बार फिर से, विल शैल कैन मे वुड शुड कुड माइट मस्ट नीड डियर आउट टू, ये हमारा
इसको लेक्सिकल वर्ब भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग एक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं और मोडस एक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया, चलिए छाप डालिए। देखिए सारे विद्यार्थियों, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यानी इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा डाला, तो पहले जिंगा डाला तो पहले आप स्टडी करें सीखें, उसके बाद फिर सीख जाएंगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आसानी होगी, किसी चैप्टर में दिक्कत होगी नहीं पार्ट सब्जेक्ट के दौरान। ठीक है, लेट्स कम ऑन द बोर्ड। अब तीसरा पॉइंट है आपका यानी मेरा डोगमा है, मेरा सिद्धांत, पहले सीखे उसके बाद लिखें। ओके, इसलिए मैंने कहा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यानी प्रथम सहायक क्रिया, प्रथम सहायक क्रिया। हम लोग प्राइमरी स्कूल में स्टडी करते थे कि नहीं किया करते थे, किए भी हैं 1 से 55 यानी प्रथम सहायक क्रिया। देखिए हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। चलिए कॉपी आउट करें, छाप डालिए। ध्यान दें, नेक्स्ट पॉइंट, वंस अगेन आई एम सेइंग एवरीबॉडी, नोबडी कैन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में, नॉट इंडिया, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, इंटायर वर्ल्ड में कोई परिपूर्ण नहीं है, और नोबडी कैन बिकम परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एंड एवरीबॉडी कैन मेक अ मिस्टेक, हर इंसान से गलती होती है। जेरंड नाउन यानी वर्ब का चौथा बुतरू, चौथा बाल बच्चा। ध्यान दे, जिरंड नाउन और प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्लिक भी फोर में क्या अंतर है और हम इसको जिरंड नाउनों को कैसे पहचानेंगे, वो लोग हम अभी स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। ध्यान दे जाए, लुक एट मी, जिरंड नाउन कौन नाउन, नॉट, बहुत सारे विद्यार्थी इसको जनरल नाउन पढ़ देते हैं, कौन नाउन, जनरल नाउन, जनरल नाउन, न जनरल, जनरल नाउन नहीं जनरल नाउन, हमको इसको, हम लोग इसके स्टडी करेंगे जेरंड नाउन, कौन नाउन, जेरंड नाउन। ध्यान दे, टीचिंग इज एन आर्ट, टीचिंग इज एन आर्ट, पढ़ाना एक कला है, पढ़ाना एक कला है। तो देखिए सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, दे, ही, सी, मोना, सितवा, गितवा, रितवा एंड मंगरुआ आल्सो, मंगरुआ भी, बट सब्जेक्ट के रूप में क्या है, वर्ब है, टीच क्या है, वर्ब टीच आउट, टीचिंग आगे कि नहीं आ गया, तो टीचिंग वर्ब में आई एन जी लगा हो, क्या बोला हूँ एक बार फिर से, वर्ब में आई एन जी लगा हो और वह सब्जेक्ट के रूप में हो, किस रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में, उसे हम जेरंड नाउन कहते हैं। एक बार फिर से,
सब्जेक्ट के रूप में वर्ब हो और वर्ब में आईएनजी लगा हो उसे हम जेरंड नाउन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म पूरा जगह नहीं है स्पेस, इसे जेरंड नाउन पूरा नहीं, शॉर्ट फॉर्म में जीएन मैंने मेंशन कर दिया ऑन द बोर्ड बोर्ड पर। अब अगला पॉइंट देखा जाए, एग्जांपल देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट के रूप में टीचिंग था तो जेरंड नाउन माने, आई क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है, आई किस रूप में प्रोनाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, तो ये टीच स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के रूप में था लेकिन आ गया अंदर, ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, यानी पी डॉट पी ऑब्लिक वी फोर, क्लियर है, सब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया, आई। अगला पॉइंट देखा जाए, आई सॉ हिम स्टीलिंग मनी, आई सॉ हिम स्टीलिंग मनी, और बच्चा पूछे चलिए आप लोग बताइए ये स्टीलिंग जेरंड नाउन है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अब ये हमारा टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में है तो ये उसको तो जेरंड, ये हमारा क्या है, आई सॉ हिम, मैंने विद्यार्थी से पूछा आई सॉ हिम स्टीलिंग मनी, विद्यार्थी पूछा बोला ये स्टीलिंग क्या है जेरंड नाउन है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो बच्चा बोला कि सर ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्यों, क्योंकि यह बीच में है, आपके द्वारा बताया गया था कि जब भी जेरंड नाउन होगा तो शुरू में सब्जेक्ट के रूप में वी फोर होगा तब उसे हम जेरंड नाउन मानेंगे, अन्यथा जेरंड नाउन कभी नहीं मानेंगे, लेकिन टीचिंग है आ गया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया और सब्जेक्ट के रूप में आई आ गया तो इसलिए बाहर रहेगा, बाहर रहे और सब्जेक्ट के रूप में रहे वी फोर रहे तो उसे हम जेरंड नाउन मानते हैं आपके द्वारा। पार्टिसिपल है, ओके, तो बट ये हमारा एक सेंटेंस नहीं है, बच्चा सब बोला कि सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, तो मेरी कहावत सुनिएगा, शिकारी आएगा जाल बिथाएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं है, पहले ही से जाल में बैठे रहना है, मैंने जाल बिछाया भी दाना भी डाला आप लोग लोभ से फंसे भी, पूछे कैसे, ये हमारा जेरंड नाउन है, किस को नाउन है, जेरंड नाउन, पूछे कैसे, तो मैं बता रहा हूँ, तो आई सॉ हिम ये एक सेंटेंस नहीं है, आई एम स्टीलिंग मनी रहता, मैं पैसा चुरा रहा हूँ, मैं पैसा चुरा रहा हूँ, तो अब हम मान सकते थे कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ दो सेंटेंस है, यहाँ एक सेंटेंस समाप्त पास्ट इंडेफिनिट का, आई सॉ हिम, सी का वी टू क्या होता है, सॉ होता है ना, तो मैंने उसे देखा, और नया सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ स्टीलिंग मनी, स्टीलिंग मनी पैसा चुराते हुए, तो ये हमारा जेरंड नाउन है, कौन नाउन, जेरंड नाउन, क्लियर है। और देखते बचपन में हम लोग वन क्लास टू क्लास में पहले हम लोग इंग्लिश स्टडी करते थे तो ऐसे लिखते थे, तो एक एक लाइन करते थे, काऊ पर लिखते थे काऊ इज ए पेट एनिमल, सी हैज फोर लेग्स एंड सी हैज ए वन टेल, सी हैज टू आईज, एक एक लाइन लिखते थे, तो उस तरह तक रिटर्न में हम लोग ऐसे, अब तो पॉसिबल नहीं है उस तरह लिखना, गलत है, ठीक है, चलिए इसको कॉपी आउट कर लें। ध्यान दे लास्ट पॉइंट वर्ब का, इन्फिनिटिव वर्ब, कौन वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब, देखिए जब भी कोई व्यक्ति आपसे पूछे प्रश्न या चर्चा करे इन्फिनिटिव वर्ब किसे कहते हैं तो आप जवाब देने दीजिएगा टू प्लस भी वन, क्या जवाब दीजिएगा टू प्लस भी वन, यानी जिस वर्ब से पहले टू लगा हो, जिस वर्ब से पहले टू लगा हो उसे इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं, क्लियर हो गया, जैसे सच एज एग्जांपल में देखा जाए,
टू प्ले, तो टू प्ले की हिंदी होती है खेलने को, खेलने के लिए। टू सीट, बैठने को, बैठने के लिए। टू कॉल, पुकारने को, पुकारने के लिए। टू ट्रस्ट, ठूसने को, ध्यान दे रहे हैं, टू थ्रस्ट, ठूसने को, ठूसने के लिए। अब घर जाकर पापा को नहीं बोलिए पापा हैव यू थ्रस्ट, और बोले वाह बेटा कितना शानदार अंग्रेजी बोलता है, ट्रमंडुआ जबरदस्त अंग्रेजी बोलता है। अब आपका मित्र आके चल जाइएगा तब बताएगा चाचा जी जानते हैं क्या बोला आपको, कब क्या पापा ठूस लिया आप, हम बोले यही बोला रही यही अंग्रेजी पढ़ता है। तो ठीक है, तो वर्ड वोकैब्स का, वोकैबुलरी का मिस यूज ना करें। छाप डालिए, ध्यान दे। अब हम लोग स्टडी करेंगे एडजेक्टिव। स्टार्टिंग में हो सके तो डेफिनेट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव थोड़ा आगे पीछे मैंने लिख दिया होगा, ठीक है। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में तो विशेषण होता है, क्या होता है विशेषण। एन एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए वही क्या है विशेषण है। पहले आइए हम लोग डेफिनेशन राइट करते हैं। चलिए इसको कॉपी आउट कर रहे हैं, छाप डालिए। चलिए ध्यान दे, इसको वाइप अप कर रहा हूँ। देखिए राम इज अ सेज बुआ, राम इज अ सेज बुआ, तो राम इज अ सेज बुआ, तो राम है क्या, नाउन है कि नहीं है। राम के बारे में जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताएं, क्या बोला हूँ एक बार फिर से, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं। यानी राम नाउन है कि नहीं है, राम के बारे में क्या बताया जा रहा है विशेषता, कि राम एक सेज मतलब होता है बुद्धिमान, सेज मतलब बुद्धिमान, तो राम इज अ सेज बुआ, राम कैसा है एक बुद्धिमान लड़का, तो राम के बारे में विशेषता बताया जा रहा है, लड़का है कैसा हो तो बुद्धिमान, तो एडजेक्टिव कौन है सेज, शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट लिखा जाए ही हैज,
अब देखिए राकेश इज अ ब्लॉकहेड बॉय, तो ब्लॉकहेड मतलब क्या होता है, हिंदी हो गई, राकेश एक गोबर गणेश लेके आया है, क्या बोला हूँ, राकेश इज अ ब्लॉकहेड बॉय, यानी राकेश एक गोबर गणेश लेके आया है। राकेश के बारे में विशेषता बताया कि नहीं बताया, लेके है कैसन, तो गोबर एंड गणेश, ठीक है, यानी बहुत वीक है स्टडी में, कमज़ोर है। तो हमारा एडजेक्टिव कौन हो गया, ब्लॉकहेड क्या हो गया, एडजेक्टिव। नॉट ओनली दिस, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए, ही हैज रेड कार, उसका कार है, कितना कम होगा, 2 लाख से कम, नैनो तो नहीं होगा, 2.5 लाख से, ठीक है, कितने को होगा, इट्स नॉट अ मूड पॉइंट, हम लोग का स्टडी अध्ययन करना है। तो ही हैज रेड कार, उसके पास लाल कार, अच्छा गोबर गणेश भी है, लाल गाड़ी भी है, ठीक है। तो रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव, रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव। फिर इसे कॉपी आउट कर लें, चलिए अब लोग हम एडवर्ब का स्टडी करेंगे। एडवर्ब इज द वर्ड विच मॉडिफाइज द एडवर्ब इन एडवर्ब, modifies the meaning of a verb, of a verb. Adjective or another word. Adjective or another word. Adjective or another adverb. ये सब के पढ़ने से पता चले कि कोई काम कब काम, ये सब के पढ़ने से पता चले। कैसे जो सांस है दूसरे एडजेक्टिव, जो सांस कहाँ, कैसे जो सांस है दूसरे एडजेक्टिव, ध्यान दें, एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। हिंदी परिभाषा, जिस शब्द के पढ़ने से यह पता चले कि कोई काम कब कहाँ, कोई काम कब कहाँ
और कैसे, जो साथ साथ दूसरे एडजेक्टिव और एडवर्ब के गुण को भी बताए। यानी कोई काम कब कहाँ कैसे जो साथ साथ दूसरे एडजेक्टिव और एडवर्ब के गुण को भी बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। सर डेफिनेशन कॉपी आउट कर लें। चलिए एग्जांपल हम लोग स्टडी करेंगे। तो कोई काम कब कहाँ कैसे, कब कहाँ कैसे, तो मैं एग्जांपल बोर्ड पर लिख रहा हूँ। वेयर डज राम रिसाइड क्वेश्चन मार्क ड्वेल। तो कोई काम कब कहाँ कैसे जो साथ साथ दूसरे एडजेक्टिव और एडवर्ब के गुण को भी बताए। तो वेयर डज राम रिसाइड क्वेश्चन मार्क ड्वेल। तो रिसाइड मतलब भी रहना, ड्वेल मतलब भी रहना, हेलिंग मतलब भी रहना, लिव मतलब भी रहना, हमिंग मतलब भी रहना, और बजिंग मतलब भी रहना, सबका मतलब रहना होता है। तो अपने नॉलेज को डे बाई डे एक्सटेंड करना है, ग्रो करना है। ओके, लेट्स कम द पॉइंट। तो वेयर डज राम रिसाइड, रिसाइड मतलब होता है रहना, और ड्वेल मतलब भी रहना। ध्यान दें, वेयर डज राम रिसाइड क्वेश्चन मार्क ड्वेल। राम कहाँ रहता है, तो कब कहाँ कैसे, कब कहाँ कैसे, तो कहाँ क्या हो गया एडवर्ब, कहाँ क्या हो गया एडवर्ब। देखिए व्हेन वेयर, व्हेन वेयर, ये वेयर है, When, where, how, ये सब क्या है, हमारा एडवर्ब है। आगे देखा जाए, टुडे राम वेंट टू कॉलेज स्टडे। राम वेंट टू कॉलेज, राम वेंट टू कॉलेज स्टडे, राम कॉल कॉलेज गया, इसमें हमारा एडवर्ब कौन है, स्टडे एडवर्ब है। ध्यान दे जाए, देखिए टुडे टुमारो स्टडी, ये सभी क्या है, हमारा एडवर्ब है। चलिए कॉपी आउट कर लें। चलिए ध्यान दें, ये एडवर्ब हो गया आपका, वेयर डज राम रिसाइड क्वेश्चन मार्क ड्वेल, तो एडवर्ब हमारा व्हेन वेयर हाउ, ये भी क्या है एडवर्ब है। राम वेंट टू कॉलेज स्टडी, ये भी क्या है स्टडी, हमारा एडवर्ब हो गया। और टुडे टुमारो स्टडी, ये भी क्या है हमारा एडवर्ब है। क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट आगे देखा जाए, देखिए स्लो, स्लो मतलब होता है धीरे धीरे, और इसमें एल वाई जोड़ देने पर, यानी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देने पर, क्या बोले स्लो क्या धीरे हुआ, और एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देने पर बन जाता है एडवर्ब। तो इक्वल टू स्लोली, यानी धीरे से, धीरे से क्या हो गया स्लो प्लस एल वाई, स्लो में तो धीरे, एल वाई जोड़ गया तो बन गया एडवर्ब, क्या बन गया एडवर्ब। तो बच्चा सब गीत गाने लगता है गुरु रंधावा का स्लोली स्लोली, ओके, तो गीत नहीं गाना है, गुनगुनाना है हम लोग को। ठीक है, आगे देखा जाए, क्यू आई सी की, क्यू क्यू मतलब क्यों, क्या है जल्दी, एडजेक्टिव है एल वाई जोड़ दिए तो क्या बन गया क्यू के लिए जल्दी से। क्लियर हो गया। अगला देखा जाए, अब क्या कर रहा हूँ, अब एक जगह एडजेक्टिव को गैदर करके एकोमोलेट करके मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हमारा वेरी भी क्या है एडवर्ब है,
or very always here, there, inside, outside, often. ये सब क्या है? हमारा एडवर्ब है. क्लियर है? चलिए इसको छाप डालिए.